अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिसेस रिव्यू। मैं आज आप लोग के लिए एक और न्यू प्रोडक्ट की रिव्यू लेकर आई हूँ, जो कि एक है स्टव। आजकल में बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, जिस तरह गैस का आजकल चल रहा है, तो उसके लिए ये जो स्टव है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जो कि ये RF का इलेक्ट्रिक स्टव है, जिसका मैं आज रिव्यू देने जा रही हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरह। सबसे पहले मैं इसके आउटर यानी कि जो इसका पैकेज है, सबसे पहले मैं इसका बॉक्स बता देती हूँ कि इसका बॉक्स किस तरह का। ये देखें, ये एक रेक्टेंगल शेप में और ये इलेक्ट्रिकल स्टफ है। यहाँ पे आपको 3 ईयर्स की वारंटी भी मिल जाएगी आपको। यहाँ पे इसके नॉब्स भी दिए हुए होंगे, ये ऑरेंज कलर में। मैं आपको इसके अंदर से भी दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बॉक्स के दिखा देंगे। 2000 वॉट, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो इसके दो बर्नर्स दिए हुए होंगे, एक 1000 का होगा और दूसरा 1000, तो दोनों को जो अगर हम प्लस करेंगे तो 2000 वॉट हो जाएगा। ये यहाँ पे ये देख सकते हैं आपको, यहाँ पे इन्होंने सब बताया हुआ है। 1000 वॉट्स प्लस 1000 वॉट्स, ईजी टू क्लीन, क्योंकि इसको क्लीन करने में बहुत आसानी है। सिंपल ऑपरेशन है इसके और यूनिफॉर्म हीट है, यानी कि वो ज़्यादा ओवर हीट नहीं होता। ये देख सकते हैं, ये इसके ये बैक साइड है और ये फ्रंट है इसका, तो दोनों सेम ही है। तो चलते हैं, अब हम इसके देखते हैं कि अंदर से किस तरह का है। गाइस, तो देखिए यहाँ पे इसका ये हमें पंपलेट भी दिया हुआ था, यानी कि अगर हमें स्टफ समझ में नहीं आए किस तरह यूज़ करना है, क्या चीज़ें, वैसे तो ही बहुत ज़्यादा इजी है, इजी टू यूज़ है, लेकिन अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आया, तो उसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा ये बताया हुआ है कि यहाँ पे किस तरह यूज़ होगा, किस तरह अपने प्लेट को यूज़ करना है, ये सब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। इसका जो ये स्टफ का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा यानी कि कॉम्पैक्ट का है। इसकी ये इतनी जगह भी नहीं घेर रहा है, ये देख सकते हैं आप कि इतना छोटा सा ये है, लेकिन काम बहुत अच्छा करता है ये। आप दो देख सकते हैं, ये दोनों इसके बर्नर्स हैं। यहाँ पे इसके नॉब्स दिए हुए हैं ऑन और ऑफ़ के, कि हमने यहाँ पे ऑन और ऑफ़ करना है। यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं कि हमने इसको कितनी हीट पे रखना है। अगर हमें स्लो हीट चाहिए तो हम 1, 2, 3, 4, 5, मैक्सिमम इसका 5 है। आप देख सकते हैं, मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ, मैक्सिमम इसका जो है वो 5 है। सो अगर हमें मैक्सिमम यानी कि कुछ भी बॉयल वगैरह या बहुत ज़्यादा हीट चाहिए तो हम 5 रखेंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ पे 3 यानी कि बिटवीन में रख सकते हैं, या फिर अगर हमें स्लो चाहिए तो 2। मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, इसको ऑन करके दिखाऊंगी किस तरह ऑन होता है। और ये देख सकते हैं, इजी टू क्लीन है, यानी कि अगर हम खाना बनाते हैं तो गंदगी बहुत ज़्यादा, ऑयल वगैरह की बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हम देखें इसको कितनी आसानी से हम इसको क्लीन कर सकते हैं। अब मैं आपको ऑन करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह हीटअप होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन ये कि आपने जब इसको हीटअप कर लेना है तो आपने यहाँ इसको टच वगैरह नहीं करना है। मैंने यहाँ पे लाइट ऑफ कर दी है, क्योंकि मैं आपको बता सकूँ कि इस बर्नर की जो रॉड्स हैं वो किस तरह हीटअप होकर रेड हो रही हैं। सो अब मैं आपको, मैंने इसको ऑन कर दिया, इसका प्लग ऑन कर दिया है। अब मैं आपको नॉब से ऑन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने अभी सिर्फ 1 पे ही करा और इसकी लाइट ऑन हो गई, यानी कि जो ये स्टव है ये ऑन हो गया, हीटअप होना स्टार्ट हो गया। ये देखें ये किस तरह, जैसे जैसे इसकी हीट जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, ये फुल रेड होता जा रहा है, आप देख सकते हैं। तभी मैंने लाइट ऑफ करी कि आपको बहुत अच्छे से नज़र आए। ये देखिए, दोनों बर्नर जो है वो बिल्कुल रेड हो चुके हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हीटअप हो चुके हैं। आप इसे वाटर बॉयल कर सकते हैं या कुछ भी आपने बनाना हो खाना, जो आजकल गैस की प्रॉब्लम चल रही है, तो ये इजी टू कुक है, यानी कि आप इसमें आसानी से बना सकते हैं। ये देखें, दोनों फुल रेड हो गए। सो गाइस, आप लोग ने देखा किस तरह हीटअप हो चुके थे, फुल रेड हो गई थी इन बर्नर्स की रॉड्स। सो ये था आज का रिव्यू, आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आप लोग के लिए यूज़फुल रहा होगा ये। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।